हेलो जी नमस्कार, पहला प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है चोपता वैली की इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो चलिए फिर आज का व्लॉग आपको शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे। वाला कैंप किया हुआ था जिसमें हमने स्टे किया था चोपता में। अभी हम इस कैंप को इस कैंप से निकल रहे हैं, तो चेकआउट कर दिया हमने कैंप को अपना और यहाँ से हम निकल चुके हैं। और मौसम देखिए एक बार चोपता का, क्या खूबसूरत वैली है। और इसे आपको पता भी होगा मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो अभी इस वैली से हम अभी हम निकल रहे हैं, चेकआउट कर चुके हैं हम। तो अभी हमारे यहाँ पर नीचे यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लंच करेंगे। इन्हीं के हैं ये कैंप, तो यहाँ पर रुके हुए थे, चलते नहीं। इतना बड़ा बैग बोकते हुए, कई कपड़े ही बहुत ज़्यादा इन लोगों के भाई। हम तो एक दो कपड़े कपड़े में काम निभा देते हैं, पर इनके कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि पूरी वैली में इन्हीं के कपड़े दिख रहे हैं। बोकता वाले यार नीचे को खूबसूरत नज़ारे इस वैली। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ के ट्रैक में, और यहीं से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ट्रैक और दिखाते हैं आपको उस ट्रैक के खूबसूरत नज़ारे। तो गाइस अभी हम ट्रैक कर रहे हैं तुंगनाथ की चढ़ाई को, और वो देखो पीछे लोग आ रहे हैं। नहीं यार चलते रहो, अभी आ जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। सामने जो, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहता है, जो सामने पीछे पेड़ है उन्हीं कहता है वो। ये ओरिजिनल है, मिलावट नहीं है, नैनीताल नैनीताल वाला मिलावट नहीं है। गाइस फाइनली भी एकदम अचानक बारिश आ गई तो बूंदाबांदी होने लगी, तो हमने रेनकोट डाल लिया है। और यहाँ पे एक डॉगी आ रहा है ऊपर से भी। उनका होगा पीछे जा रहे हैं ये। गाइस ये पन्नी में भी खच्चर की आवाज आ रही है गाइस। केदारनाथ के, केदारनाथ के खच्चरों की आवाज नहीं जा रही। और पीछे का व्यू देखिए, कैमरा में दिखा ही नहीं सकते भाई, इतना खूबसूरत है कि कैमरा उस खूबसूरती को दिखा नहीं सकता। सच बता रहा हूँ, जो हमें फील हो रहा है ना वो आप फील कर ही नहीं सकते कैमरा में बिल्कुल भी। बिल्कुल कह रहे हो। सूखा पेड़ है पर उस पेड़ में भी हरियाली हो रही है, यदि जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए पेड़ सूखा है पर हरियाली है उसमें, तो इन चीजों को तो हम बयां कर नहीं सकते भाई। और पशु पक्षी इतने ज्यादा है ना यहाँ, बहुत ज्यादा। और ट्रैक इतना साफ है केदार तुंगनाथ का, कोई बात नहीं कर सकता। तुंगनाथ के ट्रैक में हमें ये दिखने को मिली कि एक तो सफाई बहुत अच्छी है, और दूसरी चीज टिकट कहाँ ट्रैक पे, आप एक चीज ये भी कह सकते हैं कि कोई टिकट वगैरह नहीं है। एक बार हवा देखी थी हमने वीडियो उसमें, तो उसमें कहते कि इस पर टिकट पड़ती है, कुछ ऐसा टिकट वगैरह नहीं है।
क्या है इसके अंदर? तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगनाथ में और आपको भी कराते हैं अब तुंगनाथ के दर्शन। तो अभी तो तुंग जैसी केदारनाथ में बंद होता है कुछ समय के लिए, वैसे तुंगनाथ में भी दिन में पूजा रचना पूजा होती है तो उस वजह से मंदिर थोड़ा देर के लिए बंद रहता है। तो फाइनली हम लोग तुंगनाथ में और आपको भी कराते हैं तुंगनाथ के दर्शन। तो गाइज यहाँ पर लगी है श्रद्धालुओं की लाइन और इस लाइन में हम भी लग गए हैं। तो यहाँ से आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा ऊपर, तो इसी लाइन में लगे रहते हैं दर्शन के लिए। काफ़ी लंबी लाइन है लंबी अभी, तो पहले दर्शन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा मंदिर के शॉट्स। और तो सब बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र में। तो गाइज तुंगनाथ के दर्शन तो हो चुके हैं, बाबा तुंगनाथ के दर्शन हो चुके हैं और अब चलते हैं चंद्रशिला की ओर को। और वैसे तो व्यू चंद्रशिला से कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ दिखाने का क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग है ऊपर। तो चलते हैं फिर एक बार आपको सुहाना सफर और दिखाते हैं। तो गाइज आप चलने लगे हैं नीचे की ओर को, वापसी हो चुकी है और बारिश भी बहुत भयानक लग रही है ऊपर से। तो चलते हैं फटाफट नीचे की ओर को और मिलते हैं आपको सीधे नीचे। फूले बुरुशी फूली है गे बहार, फूले
ब्लड 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 हो गया, ये ब्लड कटा नहीं है मेरा पाँव, ये मत समझना कट गया है। तो अभी तुम ना गए थे, आए थे नीचे को पैदल पैदल घमा घम लगे थे, बट पता नहीं कहाँ से आया, जुलाब के अंदर आया बोला, ज्योत के अंदर आया बोला, पता नहीं किसी गाड़ी ने चलेगी। 2 लीटर खून कम हो गया तब से, कमरे के अंदर बैठ गया भैया, देखो एक कैंप के अंदर आ गया, दूसरे कैंप के अंदर, और यहाँ भी अभी भी खून ही बंद नहीं हो रहा है। याद है मेरे पे खून ज्यादा होता है, मेरे पे खून ज्यादा होता वो गाय जाते, मेरे पे खून ज्यादा होता मैं मान लेता कि भाई मेरा खून ज्यादा है। जोंक बेचारे को भी मैं ही दिख रहा हूँ बस, भाई ये देखो पूरा खून निकाल दिया आधे से ज्यादा, 1 से 2 घंटा हो गया। इसके चक्कर में मैंने दिखाया भी नहीं किस कैंप में रुके, कहाँ रुके, कुछ रुके, कुछ नहीं बताया यार, मुझे खुद पता नहीं हम रुके कहाँ, शायद गोपेश्वर में है आज। और अभी आपको नीचे का नजारा दिखाता हूँ, तो हर जगह कैंप ही है, यहाँ रुकने के लिए आपको होटल वगैरह तो मिलते नहीं है इस एरिया में, और कैंप है, कैंप बहुत ज्यादा कॉस्टली है, काफी कॉस्टली है, आप देख सकते हैं हर किसी का रेट है, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको, अलग बात है। थोड़ा सा आपको बाहर का भी दिखाता हूँ, यहाँ बाहर का भी कैसा है। तो चलिए तो ये देख सकते हैं बाहर का व्यू, और बाहर का कुछ व्यू इस प्रकार का है कैंप के, और नीचे है रेस्ट्रो जिसमें लाइटिंग आपको दिख रही होगी सामने, ये पूरा रेस्ट्रो है, और ये है यहाँ का व्यू, ये है नीचे रेस्ट्रो, और ये हमारा कैंप जिसमें हम रुके हुए सामने वाला जिसमें लाइटिंग जली हुई है, और एक कैंप ये भी है इनके पास, शायद इस कैंप में कोई होगा बट हम हैं उस वाले कैंप में सामने वाले पे। आपको दिखते हैं कैंप के अंदर कैसा रहता है सिस्टम, ये देखिए ये है कैंप, तो इसको खोलते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक डबल बेड का रूम, एक सिंगल बेड, एक सिंगल बेड, और इधर जाएं यात्रा ने तो हमें लंगड़ा लुंगड़ा बना दिया है, और इधर है किचन बाथरूम। चावल नहीं खाऊं मैं घर के आला हूँ, भैया पानी है ना।